हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री डॉट 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 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन ए वन माइनस टू ए टू प्लस ए थ्री इक्वल टू। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे। देखिए, अगर हमें कोई ए पी गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, तो उसका एनएथ टर्म ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां पर हमें जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है उसका फर्स्ट टर्म दे रखा है ए वन, तो ए की वैल्यू हो जाएगी ए वन और कॉमन डिफरेंस लेट कर लेते हैं डी। अब देखिए, हमें वैल्यू निकालनी है ए वन माइनस टू ए टू प्लस ए थ्री की। तो फर्स्ट टर्म तो ए वन है तो वो ए वन ही रहेगा, माइनस टू टाइम्स ऑफ ए टू। ए टू की वैल्यू अगर ए एन से निकालें तो एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए प्लस डी, यानी ए वन प्लस डी, ठीक है। प्लस ए थ्री की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस टू डी, तो ए की वैल्यू है ए वन प्लस टू इंटू डी, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए वन माइनस टू ए वन माइनस टू डी प्लस ए वन प्लस टू डी, ठीक है। अब देखिए, ए वन और ये ए वन कितना हो गया, टू ए वन, और टू ए वन से ये माइनस का टू ए वन कैंसिल आउट हो गया। बाकी यहां पर है माइनस टू डी, यहां पर है प्लस टू डी, तो ये भी कैंसिल होकर के कितना आ गया, जीरो, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।